हजरत पीर मखदूम शाह बाबा को मुंबई माहिम पुलिस ने दी सलामी। हर साल की तरह इस वर्ष भी मुंबई के माहिम पुलिस के द्वारा शहंशाहे कोकण हजरत पीर मखदूम शाह बाबा को सलामी दी गई। इस मौके पर भारी संख्या में मुंबई पुलिस के आला अधिकारी सहित स्थानीय रहवासियों की मौजूदगी देखी गई। वहीं पुलिस मुंबई के जवान सलामी के बाद पुलिस बैंड बाजे के साथ सलामी दी। देखिए ये रिपोर्ट। 610वें उर्स के अवसर पर ये तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहा जा सकता है सजदा करने के लिए आए हैं मखदूम शाह बाबा का। वहीं आज जो 610वें उर्स के अवसर पर सबसे पहले अगर कहा जाता है उर्स की जो शुरुआत होती है वो माहिम पुलिस से बड़ा ही लगाव रहा है मखदूम शाह बाबा का। वहीं आज 610वें उर्स के अवसर पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं, जो कि सलामी देने का जो कार्यक्रम किया जाता है वो कहीं ना कहीं माहिम पुलिस के द्वारा ही किया जाता है। आज शुरुआती दौर कहा जा सकता है, यह शुरुआती दौर है जहाँ उर्स की शुरुआत होती है, उर्स आगाज़ किया होता है यहीं से, और 10 दिनों का मेला भी लगता है इसी माहिम दरगाह शरीफ के करीब। मखदूम शाह बाबा कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं पुलिस वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माहिम वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के अगुवाई में तमाम जो शुरुआती दौर में देखा जाए तो पहली कतार में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के साथ तमाम पुलिस कर्मी दिखाई दे रहे हैं। हर साल की तरह 610वें उर्स के अवसर पर सलामी दी गई माहिम पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी और आला अधिकारियों के द्वारा। धुनों पर यानी पुलिस बैंड की धुन पर कहा जा सकता है सलामी देने का कार्यक्रम किया जाता है मुंबई पुलिस यानी माहिम पुलिस के द्वारा। आज के दिन 610वें उर्स के अवसर पर कहीं न कहीं कहा जा सकता है मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी होते हर पुलिस स्टेशन से सारे लोग यानी इतना अच्छा लगाव रहा है मखदूम शाह बाबा से मुंबई पुलिस का कि सारे इलाकों में तैनात हर पुलिस स्टेशन में तैनात तमाम पुलिसकर्मी यहां आज के दिन सलामी के वक्त यहां जरूर आते हैं अपने फरियाद को लेकर और बाबा उनके परिवार फरियाद को कबूल करते हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है ये मुंबई पुलिस से एक जो लगाव रहा है बाबा का ये बड़ा ही अटूट संबंध रहा है। और जो भी फरियादी यहाँ फरियाद लेकर आता है बाबा उनके फरियाद को यानी उनकी जो मन्नत होती है वो जरूर कबूल करते हैं बाबा। आज वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के अगुवाई में तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहां मौजूद है जो कि सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। यह बड़ा ही शुभ दिन कहा जा सकता है, जो कि अगर उर्स की शुरुआत अगर की जाती है तो पहला सलामी जो है मुंबई पुलिस के द्वारा दिया जाता है, जो आज देखने को मिला यानी पुलिस बैंड की धुनों में सलामी दी गई।
बाबा सलाह मशविरा किया करते थे मुंबई पुलिस से और बड़े ही अच्छे लगाव रहे हैं बाबा के। इसी को देखते हुए कहीं न कहीं कहा जा सकता है जो पहले संदल की शुरुआत हो या उर्स की शुरुआत की जाती है, उत्सव की शुरुआत होती है सलामी के द्वारा की जाती है। आज मुंबई पुलिस यानी माहिम पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक की अगुवाई में ये सलाम दी गई बाबा को और यहाँ तमाम जो महिला पुलिसकर्मी हो या महिला पुलिस के आला अधिकारी हो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा है, क्योंकि कहा जा सकता है कि बाबा के श्रद्धालु बन यानी भक्त बनकर दिखाई दे रहे हैं। ये पहली सलामी दी जा रही है आज माहिम पुलिस के द्वारा सलामी दी गई, इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? आज माहिम पुलिस की तरफ से बाबा को सलामी दी गई है। ये जो परंपरा है बहुत पुरानी परंपरा है, 100 साल से परंपरा है। आज हमने सबके सुख समृद्धि के लिए बाबा से प्रार्थना की है और सलामी का कार्यक्रम अभी खत्म हुआ है। आज इस अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? हर साल जो भी ये त्यौहार मनाते हैं इस टाइम में सब पुलिस द्वारे सब बाबा को एक श्रद्धा अर्पण किया जाता है और दुआ मांगी जाती है कि शांति बरकरार रखी जाए। हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ आएंगे हर टाइम, जैसे 2 बजे वहाँ से संदल निकलता है, रात में 9 बजे तक यहाँ पहुँचना पड़ता है, फिर पहली चादर जो है मुंबई पुलिस की ओर से चढ़ाई जाती है और ये जो परंपरा है ये लगातार चालू है, 100 साल से यहाँ सब ये उत्सव मनाया जाता है। हम एक बात आप बताएंगी, पहली सलामी आपके द्वारा ही क्यों दी जाती है माहिम पुलिस के द्वारा, क्या वजह रही है इसके पीछे? सालों साल की परंपरा है कि माहिम पुलिस थाने की ओर से पुलिस पहली चादर चढ़ाती है और सालों से ये परंपरा है कि पुलिस ही पहली चादर चढ़ाती है, तो ये परंपरा अभी तक लगातार चालू है और एक श्रद्धा है कि बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत सारा है और सब लोगों पर ऊपर है, तो बहुत श्रद्धा से हम ये त्यौहार ही मनाते हैं। तमाम माहिम पुलिस के पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छी बात कही है मैडम ने कि जो परंपरा है इसको हम कायम कर रहे हैं। हालांकि हम आपको ये बताना चाहेंगे, सलाह मशविरा किया करते थे, माना जाता है ऐसा कि मखदूम साहब बाबा सलाह मशविरा किया करते थे मुंबई पुलिस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जो लगाव है जो परंपरा है उसको ये कायम करते हुए आज पहली सलामी दी गई मखदूम साहब बाबा को। कहते हैं कि भर दे झोली मेरे मखदूम बाबा लौट के अब न जाएंगे खाली। आज मुंबई के माहिम का यह नज़ारा है, दरगाह शरीफ यानी मखदूम साहब के दरगाह शरीफ का यह नज़ारा है जहां संदल की शुरुआत हो या उर्स की शुरुआत हो या उत्सव की शुरुआत हो, आज कहीं न कहीं कहा जा सकता है माहिम पुलिस के द्वारा सलामी देने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सफलतापूर्वक यह आज पूरा हुआ है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे, सलामी के साथ ही उत्सव की शुरुआत हो, उर्स की शुरुआत हो जाती है, यानी 610वें उर्स के अवसर पर मुंबई पुलिस के द्वारा सलामी दी गई मखदूम साहब बाबा को। कहते हैं जो भी इनके दहलीज में सजदा करने के लिए आता है उनकी मनोकामनाएं हो, इच्छाएं हो, जरूर पूरा करते हैं मखदूम साहब बाबा।